आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 3 में पाठ 2 अहिंसा के गुण ये सीखेंगे। तो इस पाठ में अहिंसा के गुण, इस पाठ में किसकी बात की गई है? तो इस पाठ में गांधी जी बचपन में कैसे थे इसकी बात इस बात में लिखी गई है। अहिंसा के दूत, अहिंसा यानी हिंसा के होके, तो अहिंसा के दूत, दूत यानी संदेश देने वाले, तो अहिंसा के संदेश देने वाले तो वो कौन है? गांधी जी। तो गांधी जी का बचपन कैसा था तो इस पाठ में ये लिखा हुआ है। मोहन का बचपन का शौक, तो मोहन का बचपन का शौक क्या था? बचपन से ही मोहनदास गांधी जी को पेड़ पर चढ़ने का शौक था। पिताजी मना करते थे परंतु उसे उन्हें डर लगता था पिताजी को कि मोहन को कहीं चोट न लग जाए, तो वो बार बार मना करते थे। फिर भी मोहन उससे छिप छिप कर, लुक छिप कर ये पेड़ पर टहनियों के ऊपर चढ़ जाते थे। तो एक दिन मोहन पेड़ पर चढ़ा था, तभी सबसे छिप कर वह पेड़ पर चढ़ गए थे। तभी उसके बड़े भाई ने खिड़की से उसे देख लिया, तो बड़े भाई वह देखकर पेड़ पर चढ़ते मोहन की टांग खींचकर भाई ने उसे गिरा दिया। किसका भाई? मोहन का भाई। मोहन का भाई ये सब देख गया, फिर वहां जाकर मोहन की टांग खींचकर उसे नीचे गिरा दिया। अधिक चोट नहीं लगी थी, फिर भी थोड़ी खरोचे उसके शरीर पर आ गई थी। मोहन उठकर जैसे ही खड़े हुए, बड़े भाई ने उसके मुंह पर एक तमाचा लगा दिया और कहा, मोहन कितनी बार कहा कि पेड़ पर नहीं चढ़ना। मोहन के बड़े भाई उसे डांटने लगे और फिर एक तमाचा भी उसे लगा दिया। तो मोहन रोते रोते उसकी माँ के पास पहुंच गया और बड़े भाई की शिकायत माँ से करने लगे। माँ ने पूछा, तुमने कोई शरारत की होगी? तो मोहन ने कहा कि मैं छुप छुप कर पिताजी के मना करने के बावजूद भी मैं पेड़ पर चढ़ गया था, ये बड़े भाई ने देख लिया, इसलिए मुझे डांटा और एक तमाचा लगा दिया। फिर माँ ने कहा कि तुम ये सुनकर, माँ ने कहा तुम्हारा मतलब है कि बेवजह बड़े भाई ने उसे मार दिया, तो तुम भी उसे जाकर एक तमाचा लगा दो। तो यह सुनकर मोहनदास थे वो उदास हो गए, उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। वो माँ से कहते हैं कि तुम ही कहते हो कि मुझे बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, ये तुम सिखाती हो, फिर भी तुम मुझे बड़े भाई को मारने के लिए कहते हो। तब माँ ने उसे कहा कि बेटा, भाइयों में तो ऐसी नो पूछो, यानी कि वह लड़ाई जो एक दूसरे से चुभने वाली बात की जाए, यानी बोलकर ये युद्ध किया जाए, ऐसी
नोक झोक चली रहती है, चलती रहती है। तो मोहन ने, मोहन को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा, नहीं माँ, मैं भैया को तमाचे के जवाब में उसे तमाचा नहीं मारूंगा, आप माने या ना माने। तो तुम तो मुझे मारना सिखाती हो, ऐसी बात माँ को ये मोहन कहता है। तो माँ ने, वो बालक, मोहन बालक है, तो उसकी बात सुनकर उसे गोद में ले लेती है और ये कहती है कि तुम इतने इतने छोटे हो, फिर भी ये बात कहाँ से तुमने सीखी, ऐसा माँ उसे पूछती है। फिर माँ का जवाब यह मोहन नहीं देता है और मोहन वो ऐसा करता है कि माँ में हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दूंगा, ये गलत बात है। तो गांधी जी के बचपन की यह घटना क्या सिखाती है कि हिंसा का बदला अहिंसा से ही लेना ठीक है, हिंसा से नहीं। फिर गांधी जी का ये बचपन से ही ये सिद्धांत रहा है जो आज भी हम इतिहास में सुनते आते हैं। तो उसने ये अहिंसा से ही अंग्रेजों को हमारे देश से भगा दिया। तो इसी तरह गांधी जी के बचपन की यह घटना में क्या सिखाती है कि हिंसा का बदला हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से भी लिया जा सकता है। गांधी जी मन, वचन और कर्म से जीवन पर इसीलिए इसी सिद्धांत का पालन करते रहे कि भारत में, भारत के इतिहास में उन्हें इसीलिए एक नाम दिया गया है। तो उसे अहिंसा के पुजारी या अहिंसा के दूत, ये गांधी जी को इसका नाम दिया गया है। तो बच्चों यह अहिंसा के दूत, ये मोहनदास करमचंद गांधी, उसके बचपन की बात यहाँ इस कहानी में ली गई है। तो हमने ये कहानी सुनी, अब हम शब्दार्थ देख ले कि शोक का अर्थ क्या है। शोक का अर्थ है पसंद। खरोचे, तो खरोचे का अर्थ है निशान, मारने का निशान। तमाचा यानी उसका अर्थ है थप्पड़। बेवजह, तो अर्थ है बिना कारण। नोक झोंक, तो उसका अर्थ है वह लड़ाई जहां एक दूसरे को चुभने वाली बात की जाए। तो हमने बच्चों कहानी सुनी अहिंसा के दूत। तो अब हम स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में क्या है? स्वाध्याय में है किसने किससे कहा। तो यहाँ वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य पढ़कर हमें बताना है कि ये वाक्य में किसने किससे कहा। पहला वाक्य है, कितनी बार कहा कि पेड़ पर नहीं चढ़ना। तो ये वाक्य कहानी में कौन बोलता है? तो यहाँ किसने मना किया था? तो यहाँ है आएगा बड़े भाई ने किससे कहा, मोहन से। तो यहाँ लिखना है बड़े भाई ने मोहन से
किसे कहते हैं ये हमें लिखना है। तो बच्चों ये वाक्य कौन बोलता है? देखो माँ बड़े भाई ने हमें मारा है। हाँ ये वाक्य मोहन बोलता है और किसे कहता है? माँ से। तो यहाँ हमें लिखना है मोहन ने माँ से। ये तीसरा वाक्य तुमने कोई शरारत की होगी। तो ये वाक्य कौन बोलता है और किसे कहते हैं? तो यहाँ ये वाक्य मोहन को कौन कहता है? तुमने कोई शरारत की होगी। तो माँ ने इसे कहा मोहन से। वाक्य है तुम्हें ऐसे जवाब वहां से सूझने हैं। तो ये वाक्य कौन बोलता है और किससे कहते हैं? तो तुम्हें ऐसा जवाब कहां से ये वाक्य कौन बोल रहा था? हाँ वो माँ। माँ ने इसे कहा मोहन से। फिर हम रिक्त स्थान की पूर्ति ये काउंस में दिए गए शब्दों से करेंगे। पहली खाली जगह है गांधी जी को पेड़ों पर चढ़ने का खाली जगह था। तो यहाँ इसमें से क्या आएगा? किसका शौक था गांधी जी को? तो पेड़ों पर चढ़ने का। यहाँ शौक खाली जगह में शौक आएगा। ठीक है एक खाली जगह मोहन पेड़ पर चढ़ गए। तो ये वाक्य कैसे पूर्ण होगा? एक दिन किस तरह मोहन पेड़ पर चढ़ गए? तो यहाँ है लूप छिप पर, क्योंकि उसे मना किया था पेड़ पर चढ़ने के लिए, इसीलिए यहाँ खाली जगह में आएगा लूप छिप पर। एक दिन लूप छिप कर मोहन पेड़ पर चढ़ गए। ये तीसरी खाली जगह है। कितनी बार कहा है कि खाली जगह पर नहीं चढ़ना? किसके पर? तो यहाँ खाली जगह में आएगा पेड़ पर। तो ये पूरा हो गई खाली जगह। कितनी बार कहा है कि पेड़ पर नहीं चढ़ना? फिर माँ ने पूछा तुमने कोई खाली जगह की होगी। तो यहाँ क्या आएगा? शरारत। कोई शरारत की होगी। फिर हिंसा का बदला हिंसा से नहीं बल्कि खाली जगह से भी लिया जा सकता है। तो यहाँ क्या आएगा? हिंसा का बदला इससे अहिंसा से भी लिया जा सकता है। तो ये खाली जगह हमने शब्द ये लिखकर गुणों की। अब हम भाषा ज्ञान में सीखेंगे। तो यहाँ एक आपको उदाहरण दिया गया है गिर प्लस पर, तो बन गया गिर पर। दूसरा है बच्चा प्लस पर, तो इसको बनाना है बच्चा पर। छीप प्लस पर, तो ये बन गया शब्द छीप कर। खींच प्लस पर, तो ये शब्द बन गया खींच कर। चढ़ प्लस पर, तो ये शब्द बन गया चढ़ कर। सुन प्लस पर, तो ये शब्द बन गया सुन पर। अब यहाँ चंद्रबिंदी और अनुस्वार लगाकर ये शब्द पूर्ण करेंगे। तो पहला है ऊंचाई, तो ऊंचाई में अनुस्वार आएगा कि चंद्रबिंदु आएगा। तो यहाँ आएगा ये चंद्रबिंदु का निशान है ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई
लाइन में चंद्र बिंदु आएगा। फिर गाधी लिखा है तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा या अनुस्वार आएगा, तो यहाँ गा के ऊपर अनुस्वार आएगा, ये शब्द बनेगा गांधी। फिर कहा तो यहाँ चंद्र बिंदु आएगा कि अनुस्वार आएगा, तो कहा हा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा क्योंकि ये अनुनासिक शब्द है।